हाय गाइस, पार्ट वन में मैंने इज एम आर के बारे में बता दिया था। ये है पार्ट टू। पहले आपको पार्ट वन समझना पड़ेगा, इसीलिए आप पार्ट पहले वन में जाइए ताकि आपको समझ आए मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया और क्या क्या रीड करवाया। मैंने इज एम आर के बारे में ब्लैंक्स और सेंटेंस कुछ बताए थे। अब आएगा इज एम आर के बारे में सिंगुलर नाउंस, आई एम प्लुरल नाउंस। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेम ऑफ एनी, नेम ऑफ एनी वन पर्सन, ये जो चीज़ है यहाँ नाम लिखा है, यानी नाम ऑफ एनी वन पर्सन। रोहन, मीता, सीता एंड राम, ये नेम दिए है। ये तीन नाम है जो कि सिग्नरल है नाउंस, वो ये एक ही नाम होता है जो एक के साथ लगता है। यहाँ है प्लुरल नाउंस, यह है नेम ऑफ मोर देम। मोर देम का मतलब क्या होता है? ये होता है कि एक से ज़्यादा। मोर देम का मतलब होता है एक से ज़्यादा एंड एंड पर्सन। रोहन एंड सीमा, देखिए ये दोनों साथ में हो गए, रोहन एंड सीमा, ये एक से दो हो गए। आप समझे प्लुरल नाउंस और सिंगुलर नाउंस में क्या डिफरेंस है? ये एक की बात हो रही है, यहाँ एक से ज़्यादा। आपको बच्चों को समझाना है, एक एप्पल है, मैंगो है, तो वो सिग्नल्स में आएगा। मैंने यहाँ सेंटेंस लिया है, आप कुछ भी सेंटेंस बना के अपने बच्चों को एक्सप्लेन करवा सकते हैं। सिग्नल नाउंस में एक आएगा और प्लुरल नाउन में दो आएगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, रोहन एंड सीमा, ये दोनों हो गए, तो यहाँ कौन सा नाउंस लगा? प्लुरल नाउन। मोर देम का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज। अब आएगा नेक्स्ट इज, जैसे फरहान इज अ गुड बॉय। फरहान कैसा बॉय है? आप अपने बच्चों को अपने आप रीड करने को बोलिए। अगर पार्ट वन में आपको समझ आया हो तो ये पार्ट टू में आपको जल्दी समझ आ जाएगा। पहले पार्ट वन को देखना पड़ेगा आपको। स्टडी विद तृप्ति देसाई में सर्च करिए, पार्ट वन यहाँ मैंने डाला है, ये है पार्ट टू। ये इज एम आर, ही सी इट, ही इज सी इज इट इज, समझ गए आप? ही इज सी इज इट इज, आई एम के साथ ही रहेगा। सिंगुलर नाउंस है दिस एंड दैट, जो एक चीज के बारे में, कोई भी एक थिंग के बारे में हम बात कर रहे हो। थिंग का मतलब होता है कोई भी चीज। आपके बच्चों को आप ऐसे एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि सिग्नल नाउंस का मतलब क्या होता है, तो एक थिंग की बात हो रही हो, टॉकिंग हो रही हो तब। अब आर है वो प्लुरल नाउंस है, यू वी और दे, तो यू आर, वी आर और देर आर, ये प्लुरल नाउंस है। जैसे कि यहाँ दिखा है सिग्नल नाउंस एंड प्लुरल नाउंस। दिस क्यों हो गया? दिस दिस दीज का प्लुरल नाउंस में दीज हो जाता है और दैट का दोज हो जाता है। समझ गए आप सिग्नल नाउंस एंड प्लुरल नाउंस। अब आई बारी यूज ऑफ यूज, हम किस में इज एम और आर यूज करेंगे। ये है फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आपके बच्चे के बुक्स में जो सी के जी, जी के जी में और फर्स्ट में आता है फिलिंग द ब्लैंक्स, जो बच्चों को अपने आप फिलिप करवाना आप करवाइए। यानी कि आप पहले पार्ट वन में देखेंगे सिग्नल नाउंस, प्लुरल नाउंस, इज एम आर के बारे में रिवीजन करवाइए, तभी आपको बच्चे को पता चलेगा कि यूज ऑफ, मुझे इज कहाँ यूज करना है, कौन से सेंटेंस में यूज करना है, एम कहाँ यूज करना है और आर कहाँ यूज करना है। फर्स्ट वाला है आई, तो आई के साथ एम ही रहेगा, जैसे मैंने यहाँ अभी एक्सप्लेन किया था, आई के साथ एम रहेगा। तो आई एम राइटिंग एन एसे। एन क्यों आया? क्योंकि ई है वो वोवेल्स है, ई है वो वोवेल्स है, तो एन आया। आई एम राइटिंग एन एसे, यानी कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आई एम, तो यहाँ आएगा
एम, आई एम राइटिंग एन एसे। समझ गए, आई के साथ ब्लैंक्स यहाँ ब्रैकेट दिया है, इसमें से यूज करके उसे ब्लैंक्स रखनी है। तो आई के साथ एम हो गया। अब आया दीस बुक्स, ये देखिए सिग्नल अनाउंस नहीं है, एक से ज्यादा एस लग गया है ना। तो दिस इज बुक्स डैश न्यू, तो दिस बुक्स न्यू, दिस बुक्स न्यू, तो यहां क्या लगेगा, दिस इज, यहां इज, दिस बुक्स इज न्यू, यहां आएगा इज। दिस के साथ बोला था ना, दिस एंड दैट के साथ इज लगेगा। थर्ड है द फिश, द फिश इज इन द हैंड, द फिश, फिश है ये, द फिश इज इन द हैंड, हाथ में, हमारे हैंड में फिश पकड़ी है। दिस इज इन द हैंड, दिस इज फिश इज इन द हैंड। समझ गए। अब फोर देयर, तो आपको पता था देयर यहाँ है जो आर के साथ लगेगा, यहाँ आएगा देयर आर गुड सिंगर, यानी कि वो अच्छा गाता है, देयर आर गुड सिंगर, यहाँ लगेगा आर। समझ गए आप। सी के साथ लगेगा इज, सी इज माई फ्रेंड, सी इज माई फ्रेंड, सी ही इट में लगेगा इज। अब आएगा दिस, दिस आर 10 एप्पल इन द टेबल, कितने टेबल, कितने एप्पल टेबल के ऊपर है, ऑन का मतलब होता है ऊपर। दिस आर 10 एप्पल ऑन द टेबल, यहाँ आएगा आर। आप अपने बच्चे को ब्लैंक्स बना दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट भी दिया है, उसमें से इज एम आर ब्लैंक्स के हिसाब से कहाँ यूज होता है वो उसे ही रीड करने दीजिए, ताकि पता चलेगा कि उसे पार्ट वन में कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया है। मेरा पार्ट वन जरूर देखिए। अब आए सेवंथ, वीरल डेज अ गुड बेस्ट मैन, वीरल इज गुड बेस्ट मैन, यहां आएगा इज, वीरल इज अ गुड बेस्ट मैन, वो अच्छा इंसान है। आई एंड डैड, आई एंड डैड, ये हो गया है मोर देम, एक से ज्यादा, आई और एंड है और डैड दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लगेगा, आई एंड डैड, आई एंड डैड मोर देम है तो आएगा आर, आई एंड डैड आर बिलीव इट ड्रैम। ही, तो ही के साथ इट लगेगा, ही इज ईटिंग एन एप्पल, एप्पल खा रहा है, खा रही है, कोई भी सेंटेंस यूज हो सकता है, ही इसके साथ यूज होगा। अब आएगी द मंकी ऑन द ट्री, मंकी ट्री के ऊपर रहता है, द मंकी इज ऑन द ट्री, ये आएगा इज, लास्ट में एस नहीं है तो सिग्नल नाउंस है, परुलेंस नाउन होता तो मोर देम हो जाता। क्वेश्चन नंबर टू है चूज द करेक्ट अपोजिट, अपोजिट है, चूज द करेक्ट अपोजिट, जो इज एम आर के बारे में है, आई के साथ लगेगा एम, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, यानी कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। दिस एप्पल इज नॉट फ्रेश, फ्रेश नहीं है, दिस के साथ लगेगा इज, दिस एप्पल्स, एप्पल्स है, देखिए दिस इज एप्पल से ए मोर देम है तो यहाँ आर लगेगा, दिस एप्पल्स नॉट फ्रेश तो होगा आर, मोर देम में आर लगता है, एक से ज्यादा की बात हो रही हो तब। पूजा इज अ ड्रिंकिंग वाटर, पूजा ड्रिंक वाटर, पूजा है तो इज,
पूजा इज ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग है वो वाटर ड्रिंक कर रही है। अब नेक्स्ट है ही शी इट, मैच द फॉलोइंग, आप ये ध्यान से देखिए, ही सी इट, दीज दोज के साथ कौन मैचिंग होगा, इज, समझ गए। आप अपने बच्चों को ऐसे चार्ट बना दीजिए और यहाँ दिस दैट यू वी देयर सिग्नल्स एंड पर्लर्स नाउंस लिखा है, किसके साथ उसे आर एम इज यूज करना है, ही सी इट आपको बताना है, तो दिस एंड दोज के साथ हमारा इज यूज होगा, यू वी देयर के साथ क्या होगा, यू वी देयर के साथ होगा आर, समझ गए आप। अब सिग्नल नाउंस एंड पर्लर्स नाउंस, तो आई के साथ क्या होगा, एम, आई के साथ होगा एम, अगर सिग्नल नाउंस है तो इज यूज होगा, सिग्नल एक की बात होगी तो होगा इज, यानी कि दिस इज एप्पल, दैट इज एप्पल, सिग्नल नाउंस है। अब पर्लर्स नाउंस है तो दिस एंड दैट, तो वो एक से ज्यादा हो गया, मोर देम हो गया, तो यहाँ आर यूज होगा, समझ गए आप। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पार्ट वन एंड पार्ट टू ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं थ्री पार्ट डालूँगी। थैंक यू।